विकासखंड सुजानपुर के अंतर्गत जिन लोगों ने निजी कार्य करवाने के लिए स्वीकृति पत्र खंड कार्यालय से प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किए हैं, वे लोग 31 मार्च से पहले काम शुरू करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तमाम कार्य लैप्स हो जाएंगे। ये जानकारी खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा ने मीडिया के माध्यम से दी है। अधिकारी ने बताया, खंड सुजानपुर के अंतर्गत 4000 लोगों के निजी कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से अब तक 800 के करीब कार्य धरातल पर शुरू हुए हैं। अन्य कार्य भूमि संबंधी दस्तावेज लोगों ने जमा नहीं करवाए हैं, जिसके चलते रुके पड़े हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिव्य हिमाचल का और मीडिया के सभी बंधुओं का, जिनके माध्यम से हम बार बार जो भी संदेश जनता तक पहुँचाना चाहते हैं वो संदेश जनता तक पहुँच जाता है। और मैं पुनः एक बार ये निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमने इस वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 में विकासखंड सुजानपुर टेरा में लोगों के निजी कार्य, जैसे डंगे, खातरियाँ, पशुशालाएँ, टैंक इत्यादि के कार्य उनके आवेदन पर तुरंत स्वीकृत किए हैं, और लगभग 4000 के आसपास जो है यहाँ से स्वीकृतियाँ जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी हम आंकड़ों में देख रहे हैं तो 700 से 800 इतने के आसपास ही कार्य शुरू हैं, वो इससे ज़्यादा कार्य शुरू नहीं हुए। मैं ये मीडिया के माध्यम से दोबारा से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि ये कार्य मार्च से पहले इन सभी कार्यों का पहला मस्टर रोल नहीं निकला तो ये कार्य 31 मार्च को लैप्स हो जाएंगे, और मार्च में 15 मार्च के बाद मस्टर रोल 15 दिन का नहीं निकल पाता है, तकनीकी समस्या रहती है। और मार्च महीने में कार्यों का बर्डन वैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तकनीकी समस्या के कारण कहीं लोगों को अपने अधिकार से वंचित ना होना पड़े, इसलिए मेरा बारम्बार निवेदन है कि यदि किसी ने ग्राम पंचायत में कोई अपने ज़मीन संबंधी कागजात जमा नहीं करवाए हैं तो वो तुरंत कागजात जमा करवा दें, ताकि उनके घर का डंगा या कोई पशुशाला, टैंक या कोई खातरी है उसका निर्माण किया जा सके। और यदि कहीं पंचायत की तरफ से डिले किया जा रहा है, किसी भी पंचायत की तरफ से ऐसा है कि आपने भूमि के कागजात दे दिए हैं और पंचायत कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, काम नहीं कर रही है, तो मेरा लोगों से निवेदन है कि सीधे तौर पर मेरे पास आएँ, ताकि उनकी समस्या का निदान किया जा सके। यदि लोग मार्च महीने में इसी समस्या को लेकर मेरे पास आएंगे तो शायद तकनीकी रूप से इस समस्या का इलाज कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद मस्टर रोल नहीं निकलता। और थोड़ी सी इसमें प्रक्रिया होती है कि पहले एस्टीमेट फ्रीज होता है, जियो टैगिंग होती है, इसलिए थोड़ा 2-4 दिन की एक प्रक्रिया रहती है। तो लोगों से फिर से निवेदन है कि जिसे भी ज़रूरत है, अगर किसी के पास स्वीकृति नहीं है तो वो स्वीकृति ले सकते हैं, और किसी की स्वीकृति हो गई है तो तुरंत पंचायत से संपर्क करें या फिर विकासखंड कार्यालय आकर मुझसे संपर्क करें। हम आपका जो कार्य है उसको करवाने के लिए कृतसंकल्प है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।